खबर मुलताई से। लंबे समय से चल रहा जामा मस्जिद भूमि विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर सीमांकन के आवेदन पर राजस्व अधिकारी एवं भारी भरकम पुलिस बल के बीच सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। मुस्लिम प्रतिनिधियों से चर्चा कर भूमि विवाद समाप्त करने के प्रयास हुए। तहसीलदार सुधीर जैन के नेतृत्व में RI एवं पटवारियों की टीम ने जामा मस्जिद खसरा क्रमांक 612 का सीमांकन कर मस्जिद भूमि को चिन्हित किया। हाजी शमीम खान जिला बमवोट कमेटी सदर ने कहा कि 3 माह से भूमि का सीमांकन कराने का प्रयास कर रहे थे। आज राजस्व एवं पुलिस अमले के सहयोग से भूमि का सीमांकन किया गया। मस्जिद की पूरी भूमि का सीमांकन कर भूमि पर कूटी गाड़ी गई। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है और अब यह कहा जा सकता है कि मस्जिद की भूमि पूर्ण पाई गई और अब मस्जिद की भूमि का कोई भी विवाद नहीं है। मस्जिद की भूमि का सीमांकन हुआ, इस कार्रवाई के बारे में बताइए। मस्जिद की भूमि के सीमांकन के लिए मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के उपरांत राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। उस टीम में 6-7 पटवारी रखे गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद की भूमि का सीमांकन हो गया है, जिसका खसरा नंबर 612 था। मस्जिद का सीमांकन हुआ है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सीमांकन एक तो हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से मतलब आवेदन दिया गया था, दूसरा मुझे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से लोगों ने कुछ बताई के हमारे कौम के लोगों ने शिकायत करी कि इसकी जांच आई थी मेरे पास में कि ये मामला क्या है 610 और 612 का। तो आज ये स्पष्ट हो गया है कि 612 अपनी जगह पूरी ज़मीन है, 45 किस्म मस्जिद की, इसमें 610 का कोई दखल नहीं है और 612 में 610 का नहीं और 610 में 612 का कोई दखल नहीं है। जिसने वो भूमि क्रय किया है ये 610 उनकी है और 612 जो है मस्जिद की यथावत है, उसमें किसी का भी कोई इधर से उधर से कहीं का भी किसी का हस्तक्षेप नहीं। समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहते हैं कि मस्जिद ऐसी जगह है, अपनी पाक जगह है और इस जगह के ज़्यादा नाम बदनाम के तौर पर नहीं लिया जाए। हमारा सुकून के साथ जैसा शांतिपूर्वक आज सब जगह नाप ली गई, इस विवाद को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। आगे इस विवाद को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सीमांकन जो हुआ आज का, आज इस सीमांकन के बारे में बताइए। जामा मस्जिद मुतवल्ली द्वारा आज यहाँ जामा मस्जिद का सीमांकन रखा गया था, जिसमें राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा यहाँ सीमांकन किया गया और मस्जिद की ज़मीन जो है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया एवं मस्जिद के पश्चिम की दिशा में लगी हुई जो खाली भूमि एवं जो 3 दुकानें थी वो खसरा नंबर 610 में पाई गई। और जिसके अंदर यहाँ मुलताई के सभी पंचगण उपस्थित थे, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई। तो ये जो ज़मीन जिस पे आप खड़े हो, ये इसका खसरा नंबर क्या है? ये ज़मीन खसरा नंबर 610 है, जिसका मैं भूमि स्वामी हूँ। यह ज़मीन मेरी मिसेस के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और इसका मैं स्वयं मालिक हूँ। जो सीमांकन के लिए आवेदन लगाए थे, आज जो है राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में जो सीमांकन हुआ है, इस बारे में बताइए। हमने जो है मस्जिद का सीमांकन करवाया है खसरा नंबर 612, उसका रकबा 182। उसका सीमांकन हुआ, काफ़ी समय से सीमांकन के लिए हमारी कोशिशें जारी थी, बड़ी मुश्किल से आज सीमांकन हो पाया है पुलिस की मौजूदगी में और तहसीलदार साहब के रहते में और आवाम के रहते में। और सीमांकन जो है मस्जिद की जो जगह पहले से मानी जाती थी वो उस जगह के ऊपर बराबर उसका नाप आया है और उसकी खूटी गाड़ी गई है। मस्जिद की पुरानी दीवार से 2 फुट पीछे तक के जो उसका नाप आया है वो सीमांकन हुआ है और इस सीमांकन से आवाम भी संतुष्ट है और हम भी संतुष्ट हैं। जिस जगह को लेकर विवाद चल रहा है, क्या वो उस जगह का खसरा नंबर क्या बताया गया है? वो जो जगह का विवाद चल रहा है वो खसरा नंबर 610 की रजिस्ट्री हुई है। अब वो खसरा नंबर 610 की रजिस्ट्री जिसने किया है वो और वो जो दुकानदार लोग वहाँ विवाद कर रहे हैं वो उनका मैटर है, मस्जिद का उनसे कोई लेना देना। आप जामा मस्जिद की मुतवल्ली हो तो आपके समाज को इस मामले को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे समाज के अंदर कि भाई जो खसरा नंबर 612 की जगह है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। जो मस्जिद पुरानी मस्जिद की दीवार से 2 फुट पीछे तक की जगह है उसकी, और उसके बाद में जो दुकानें लगी हुई है वो 610 में है और वो उनका मैटर है जिन्होंने खरीदा और